दोस्तों ये कहानी बड़ी अजीब है। इसमें जो मर्जी जिस मर्जी को पेल देता है। कोई किसी के भाई से पलंग तोड़ रही है, कोई किसी की बंदी को पेल रहा है, कोई किसी की लुगाई से भटाभट 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 कर रहा है, तो कोई किसी की नौकरानी से चरमसू को ले रहा है। यानी कि टोटली पेलम पिलाई की फिल्म चला रखी है। तो चलिए थोड़ा मजा हम भी ले लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक मिनी बस को देखते हैं, जिसमें एक से एक पेलम पिलाई के हीरो जा रहे होते हैं। उसी बस में हम एक जोवन नाम के नेवी को देखते हैं, जो काला चश्मा लगा के काली गुफाओं से भटाभट भटाभट करने की सोच रहा था। तभी जोवन की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ एक लौंडिया घोड़ी की तरह भगड़ी होती है। दरअसल कुछ गुंडे उसकी तितली लेने के पीछे पड़े थे। तभी जोवन तीसमार खान बन के उसकी मदद करने आता है, लेकिन जब तक उस लौंडिया ने उन गुंडों को धूल चटा दी थी और कहती है, भोसड़ी के लौंडिया ठोक दूंगी तुम्हारी। ये देख कर जोवन कहता है, वाह मेरी जान वाह, तूने तो हैंडपंप नचा दिया इनके। इस लौंडिया का नाम सेंटी होता है, और जोवन को देखकर उसके आंडों की घंटियां बज जाती हैं। ओह यार ये क्या बोल दिया, सॉरी सॉरी, दिल की घंटियां बज जाती हैं। ये देखकर जोवन भी सोचता है, यार क्या किस्मत है मेरी, अभी बस मैं गुफाओं के बारे में ही सोच रहा था और यहाँ मिल भी गई। तो सेंटी कहती है, अगर तू मुझे अपनी नाव में लेके चलेगा तो मैं तुझे बम डिग डिग बम दे दूंगी और अंगूर से आम दुकान का गोदाम बनवा लूंगी। अब ये सुनकर जोवन में गर्मी चढ़ जाती है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता और वापस जाने लगता है। तभी सेंटी कहती है, अबे ओ मुठल मुठल है क्या। ये सुनकर जोवन को गुस्सा आ जाता है। जोवन कहता है, मुठल कह रही है, सुन याद में उनकी क्या क्या लुटा दिया, इतनी मारी मुठ की टोपा सुझा दिया, हमें कमजोर होता देख जब मुस्कुराई वो तो उनकी खुशी में देखकर एक बार फिर से हिला दिया। तो इस पर सेंटी कहती है, तूफानों में छतरी खोली नहीं जाती, ब्रा से पहले पैंटी खोली नहीं जाती, बैगे खाना शुरू कर दे मेरे कुत्ते, क्योंकि जुबान और उंगली से औरत नहीं ठोकी जाती। ये बोलकर सेंटी वहां से भाग जाती है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां जुबान सेंटी से भटाभट 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 करता है, और काम खत्म करने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तो सेंटी कहती है, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। तो जोवन कहता है, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते जोवन उसे एक लॉकेट देकर जाता है, जिससे सेंटी को पता नहीं कौन से खुशी मिलती है, ये तो यही जानती होगी। अब हम मैरी नाम की एक नौकरानी को देखते हैं, जो कि जोवन की बहन होती है, और ये किस एंगल से बीमार है ये तो पता नहीं। ये तो धार उड़ाते उड़ाते अपने मालिक से घंटी बजवाना चाहती है, और उसे हमेशा ऐसे धार उड़ाते हुए ताड़ती रहती थी। थोड़ी देर बाद जोवन अपनी बहन से मिलने आता है, वहीं मैरी गिली गिली करके उसके पास आती है और कहती है, क्या हाल है लौंडे, ठीक है तू। लेकिन जोवन उसे इग्नोर करता है और जाते जाते उसे कुछ पैसे देता है और वहां से जाने लगता है। अब क्योंकि जोवन पूरे 3 साल बाद मैरी से मिलने आया था, तो मैरी उसे रोक कर चाय पानी के लिए पूछती है। इसके बाद ये दोनों पार्क में बैठ कर मस्ती वाली बातें करने लगते है, और जोवन इतनी मस्ती में खो जाता है कि उससे भटाभट 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 करने के लिए पागल हो जाता है। मैरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जोवन हार कहाँ मानने वाला था। पहले तो मैरी उसे मना करती है, लेकिन बाद में भटाभट भटाभट करते करते सुबह से शाम हो जाती है और छोटी छोटी मौसमी आम बन जाती हैं। ये सब करके मैरी को बिल्कुल भी मजा नहीं आता, और वो जोवन से कहती है, तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। लेकिन जोवन को उसकी बातों से नहीं लातों से प्यार था, वो तो बस गुफाओं में घुसना चाहता था, और फिर से भटाभट भटाभट करता है। अगले दिन हम मैरी के मालिक डेविड को देखते हैं, जो कि एक लौंडिया पटोली का हर जगह पीछा कर रहा था, यानी कि ये इसे बजाना चाहता है और इसका मुरब्बा चाटना चाहता है, लाल वाला नहीं सफेद वाला। वो हर जगह उसका पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफी शॉप, हर जगह उसे देखकर सोचता है, दिल तो दिया है तुझे, मगर एक शर्त लगाई है, लेनी है वो चीज जो तुमने टांगों के बीच में छुपाई है। एहसान किसी का क्या लेना, हम तो मुठ पे गुजारा करते हैं, जब भी तेरी याद आती है उठ उठ के दोबारा करते हैं। ये बोलकर बेचारा थक हार कर अपने घर पर आता है। वहीं घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है, तो वो जल्दी से अपनी जेब में डाल लेती है। वहीं नहाने के बाद हमेशा डेविड को दूध चाहिए होता है, लेकिन आज उसे पूरे घर में कहीं भी मैरी नहीं दिखाई देती, तो वो खुद ही किचन में दूध लेने चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी दादी दोपहर में होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी होती है, और आज की पार्टी में पटोली भी अपने पति जोसेफ के साथ आई थी। वहीं डेविड अपने फोन से पटोली की फोटो खींचने में लगा होता है। ये देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है, वो पटोली से कहता है, ये भोसड़ी का क्या कर रहा है। अरे जानू ये फोटो क्लिक कर रहा है, कोई बात नहीं। एक दिन मैरी डेविड के रूम में उसे जूस देने आती है। डेविड उसे पीकर बोलता है, मैरी तू चड्डी नहीं पहनती क्या आजकल। ये सुनकर तो मैरी के होश ही उड़ जाते हैं, अबे यार इसे कैसे पता चल गया, कहीं ये मेरा गेम ना बजा दे। जब मैरी जा रही होती है तो डेविड कहता है, मैरी मुझे सब पता है कि तू मुझे छुप छुप कर देखती है। तो मैरी कहती है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर डेविड कहता है, अच्छा रुक जा, आज
मैं तुझे हैंडपंप दिखाता हूँ। ये देखकर तो मैरी की दोनों आंखें लपक के बाहर आ जाती हैं और फिर वही होता है, पलंग तोड़ भटाभट भटाभट भटाभट। अगले दिन डेविड अपनी कार से पटोली का पीछा कर रहा था। उस टाइम पटोली अपने घर की तरफ जा रही थी और उसे पता चल जाता है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी डेविड की कार में बैठ जाती है और डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले आता है जहाँ पर वो दोनों दारूबाजी और सुट्टाबाजी करते हैं। वहीं जोश में आने पर पटेली उससे पूछती है कि अब बता तू मेरा पीछा क्यों करता है। तो इस पर डेविड कहता है मुझे तेरा पिछोड़ा गदर लगता है और मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तेरे से भटाभट 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 करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फैंटेसी है। ये सुनकर पटोली का हाल हंस हंस के बेहाल हो जाता है। तभी पटोली की घंटी बजती है फोन की और उसे एक नए नंबर से कॉल आया था। ये देखकर डेविड तुरंत उसके फोन का GPS बंद कर देता है और पटोली से कहता है कि इसे ऑफ करके ही रखना वरना तुम्हारा पति यहाँ पर भी मिला के आ जाएगा। तो फिर पटोली कहती है तू रोज मेरे नाम की मुट्ठ मारता है ना। तो डेविड कहता हाँ वो भी 9 साल से और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने लेटी हो। तो इस पर पटोली कहती है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। उसे देखकर डेविड बोलता है आज तेरा दिल फिर से दुखा दूंगा, अपने प्यार का कर्ज चुका दूंगा, देकर लालच कुल्फी का अंधेरे में अपना उस्ताद चटा दूंगा। ये सुनकर पटोली के मुंह से दारू निकल जाती है। अच्छा बच्चू पंगे लेगा। और फिर ये दोनों भटाभट 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 करने लगते हैं और करते करते इन दोनों को टाइम का पता नहीं चलता और अब रात हो जाती है और वो जल्दी से अपनी पैंटी ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो ऐसे ही चली जाती है। तभी डेविड पटोली से कहता है तू टेंशन मत ले यहीं कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुझे दे दूंगा। तो पटोली कहती है नहीं तू रहन दे और तू अब से मेरा पीछा नहीं करेगा, अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई तो वो तेरे पिछवाड़े में गोलियां चलवा देगा। और ये इतना हरामी होता है कि इसने पटोली की पैंटी सूंघने के लिए चुरा ली थी। उधर पटोली जब घर पर होती है तो उसका पति उससे पूछता है हैरी पटोली कहाँ पर देती फिर रही थी और तूने अपने फोन का GPS ऑफ क्यों कर दिया था। पटोली से झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। जोसेफ को पटोली पर शक तो हो गया था पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पटोली से चरम सुख भटाभट 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 करने लगता है। अगले दिन जोसेफ एक यूनिवर्सिटी से एक लौंडिया पोली को लेने जाता है जो कि लॉलीपॉप चूस रही होती है। दरअसल पोली पहले जोसेफ के लिए काम करती थी और उस टाइम इन दोनों ने पलंग तोड़ भटाभट भटाभट किया था। पोली जोसेफ की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जोसेफ उसे 7 स्टार ओयो में लेके जाता है जहां वो पोली को ले जाकर उसके साथ भटाभट 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 करना शुरू कर देता है और कहता है मेरे अंदर 56 घोड़ों का जोश, तू का तेरी मम्मी का भी खो दूंगा होश क्योंकि मैं हूँ जोसेफ जोश। इसके बाद जोसेफ पोली को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है ये ले घर जाने के पैसे, यूबर बुला लियो। ये देखकर वो चिढ़ जाती है और अपने मन में सोचती है आई एम ए बिच एंड यू आर माई डॉग, आई एम ए बिच एंड यू आर माई डॉग, सो लेट मी लिफ्ट माई लेग एंड यू आर ए सोवर। इसके बाद जोसेफ पोली की मुलाकात एक बहुत बड़ी एक्टर जोशी से करवा देता है जिसे अपने लिए एक लड़की की जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोशी पोली को अपने साथ अपने घर पर ले आती है और अगले दिन उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाती है। पोली की लाइफ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। रात को जोशी पोली को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है जहाँ हर कोई लौंडिया किसी न किसी से दबा के भटाभट भटाभट कर रही थी। वहाँ पर पोली कुछ ज्यादा ही दारू पी लेती है जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। ये देखकर जोशी उसे घर पर ले आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोशी एक मिट्ठी है यानी कि लेस्बियन है और उसी के कहने पर जोसेफ ने उसके लिए पोली का इंतजाम किया था और वो उससे रोज भटाभट 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 करती थी जिससे पोली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसे जोशी के साथ मजा तो बहुत आया था लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जोशी पोली को उसके घर पर छोड़ देती है। जहाँ पर हम सैंडी को देखते हैं ये वही है मूवी की स्टार्टिंग वाली बम डिग डिगी बम वाली। और आज भी कुछ लौंडे इसकी तितली लेने के लिए पीछे पड़े थे। इसकी तितली कुछ ज्यादा मस्त है क्या? जहाँ पर सैंटी अपनी तितली को बचा के भाग रही होती है क्योंकि ये बस उस नेवी के नाम थी। तभी उसे जोशी की कार दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है और जोशी धर्राटे काटते हुए कार भगा लेती है और पूरी रात वो सैंटी के साथ लेस्बियन वाली ठुकाई करती है। और सुबह होते ही जोशी उसके पास कुछ पैसे रखकर चली जाती है लेकिन तभी सैंटी वहाँ पर आ जाती है और जोशी को उसके पैसे लौटाकर बोलती है कल रात को मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए लेकिन अफसोस मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर जोशी उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन सैंटी उसे उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी जुवन के वापस आने का वेट कर रही थी। जुवन वही है जो हमें फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। थोड़ी देर बाद जुवन भी फूलों का गुलदस्ता लेकर सैंटी के पास आता है और वो सैंटी को प्रपोज करता है जिसे देख कर वो बहुत खुश होती है और वो दोनों भटाभट 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 करने चले जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना।